अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साकिब मुनीर और इस वक्त हम मौजूद हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में। कज़ाफ़ी स्टेडियम इस वक्त तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इंग्लैंड की टीम लाहौर पहुंच चुकी है, 17 साल बाद ये टीम लाहौर पहुंची है। कौमी स्क्वाड भी और इंग्लैंड की टीम इकट्ठे लाहौर में आए हैं और इस वक्त मैं आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम की सूरत हाल दिखाऊँगा कि कैसी तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर पिचेस तैयार की जा रही हैं, ग्राउंड स्टाफ जो है पिचेस तैयार करने में मसरूफ़ है और जो शायकीन क्रिकेट बैठने की जगह है उनकी चेयर्स को भी रंगारंग सजाया जा रहा है, तैयारियाँ की जा रही हैं, पेंट्स किए जा रहे हैं। तो 28 तारीख को ये पहला मैच है, 4 मैच आपको पता है हुए हैं अभी तक, जिसमें से 2 पाकिस्तान जीता है और 2 इंग्लैंड। ये जो 3 मैचेस हैं ये फैसला कुन मैच होंगे, जिसमें जो भी टीम जीतेगी 2 मैच 3 में से वो सीरीज़ की फातिहा टीम कहलाएगी। और अभी हम आपको दोबारा दिखाएं तो पिचेस का दिखाते हैं, पिचेस तैयार कर ली गई है, सेंटर पिच है जहां पर ये खेलेंगे और बाउंसी पिच बनाई गई है। 2 पिचेस हैं यहां पर, इसमें से एक 28 तारीख के मैच में खेली जाएगी और दूसरी बाकी जोन सी हैं शफल करते रहेंगे। बाउंसी विकेट्स बनाई हैं ज़्यादा इन्होंने, बैटिंग विकेट भी हैं ये, क्योंकि ज़रा लाहौरी हैं, लाहौर में आपको पता है नॉर्मली हाउसफुल रहता है। इस दफ़ा तो कराची वालों ने भी कमाल कर दिया भाई, कराची में भी ज़बरदस्त स्टेडियम में हाउसफुल रहा, शायकी ने जो क्रिकेट थे वो बड़े पुरजोर और बड़े जज्बे में थे कि हम मैच देख रहे हैं। लाहौरी भी अभी इंतज़ार कर रहे हैं, तो भाई टिकट्स ख़रीद लें, जिन्होंने अभी टिकट नहीं ख़रीदी वो बाय कर लें, ऑनलाइन टिकट्स भी बिक रही हैं। तो अब स्टेडियम की अगर हम तैयारियों की बात करें तो सबसे पहले जो साइड विकेट्स हैं इनमें प्रैक्टिस सेशन के लिए ये विकेट्स तैयार की गई हैं जो कल प्रैक्टिस सेशन, और ये सेंटर विकेट्स हैं जिनमें यहाँ पर मैचेस होंगे जो इंटरनेशनल मैचेस हैं। और सामने डग आउट्स हैं, अगर हम आपको हमारा कैमरामैन आपको क्लोज करके दिखा सके तो ये डग आउट्स हैं जी, यहाँ पर टीम्स के लिए तैयारी की जा रही है। एक जानेब इंग्लैंड की टीम बैठेगी और दूसरी जानेब पाकिस्तान की टीम बैठेगी। तो जितनी भी इस वक्त एक्टिविटी है उस वो हम आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त दिखा रहे हैं। चेयर्स का अगर मैं आपको दिखाऊँ तो चेयर्स की भी मुकम्मल सफाई की जा रही है, ये आप देख सकते हैं। स्टाफ इस वक्त बिल्कुल शायकी ने क्रिकेट के लिए चेयर्स तैयार कर रहा है, रंगारंग मेला सजने वाला है। ये स्टैंड हैं और जो हमारे फॉर्मर इमरान खान क्रिकेटर हैं, कलर्स जो चेयर्स हैं वो इमरान खान एम्प्लॉयर की हैं। एम्प्लॉयर भी अगर हम आपके साथ डिस्कस करें तो ये जो कलर्स में चेयर नज़र आ रही हैं, रेड येलो ब्लू ऑरेंज चेयर्स जो सी हैं, ये इमरान खान एम्प्लॉयर है और ये VVIP एम्प्लॉयर में इंक्लूड होता है। और दूसरी जानिब इसके साथ ही जुवेद मियादाद एम्प्लॉयर भी है इमरान खान के साथ, जुवेद मियादाद एम्प्लॉयर है, उसके साथ सईद अनवर एम्प्लॉयर है। ये जहाँ पर स्क्रीन लगी है इसकी बैक पे ये बनता है, और अगर हम इस तरफ आए लेफ्ट साइड पे मेरे तो सरफराज नवाज़ एम्प्लॉयर है और सईद अनवर एम्प्लॉयर है। और ये भी सईद अनवर एम्प्लॉयर भी जो है VVIP में कंसीडर किया जाता है। सिक्योरिटी एहलकार इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं, विज़िट कर रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से। और ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मैं आपको आगाह कर रहा था। और लाहौरियो हो जाओ तैयार, क्योंकि मैच होने जा रहे हैं फैसला कुन। 2 मैच जोन सी भी टीम जीतेगी वो इस सीरीज़ की फातिहा टीम होगी। और आपने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि टीम का अभी कम्बिनेशन कैसा है, कौन सा प्लेयर होना चाहिए टीम में और कौन सा नहीं होना, और किस कम्बिनेशन के साथ हमें ग्राउंड में अपने प्लेयर्स को उतारना चाहिए। तो इसके साथ नाज़रीन मुझे अब कज़ाफ़ी स्टेडियम से दीजिए इजाज़त अगली वीडियो के अपडेट रहने के लिए। जिन व्यूवर्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि उनको यहाँ की अपडेट मैं देता रहूँगा। और मुझे दीजिए अब यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।